हेलो व्यूअर्स, राम रिसर्च क्लासेस के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक मैथ का है। जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन हमें मिल जाए बनाने के लिए किसी भी कंपटीशन एग्जाम में या कहीं भी, तो कैसे सॉल्व करेंगे बिना किसी फॉर्मूला के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से। 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर कितना होगा, 20 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर माइनस 29 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर। तो इसको अगर लॉन्ग मेथड से बनाएंगे तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा। अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर 21 आएगा। तो हमें ये चीज नहीं करना है, स्क्वायर नहीं करना है दोनों का और घटा भी नहीं करना है। बस ट्रिक के माध्यम से हम लोग कैसे बनाएंगे, तो हमें क्या करना है कि इकाई अंक को जोड़ देना है और दहाई अंक को जोड़ देना, मतलब इकाई अंक जो हमारा है उसको आपस में क्या करना है, जोड़ देना। तो 0 और 1 को जोड़ देंगे तो 1 हो गया, फिर दहाई अंक को आपस में जोड़ देंगे तो 1 और 1 को जोड़ दीजिए 2 हो गया। ऐसे इस क्वेश्चन को बनाना है। अब यहाँ पर इकाई अंक 0 है और यहाँ 9 है, जोड़ देंगे तो 9 हो गया और दहाई अंक को जोड़ दीजिए 2 1 3 हो गया। इसी तरह इस क्वेश्चन को बनाएंगे कि 9 और 0 को जोड़ दीजिए तो 9 हो गया, 3 और 2 को जोड़ दीजिए तो 5 हो गया। इसी तरह यहाँ है कि 0 और 1 को जोड़ दीजिए तो 1 हो गया, 2 और 2 को जोड़ दीजिए तो 4 हो गया। इसी तरह इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे तो 6 और 5 को जोड़ दीजिए 11, 1 हासिल हुआ, 4 और 4 8 और 1 हासिल 9 है, 1 है, तो हम लोग इसको जोड़ देंगे कि 5 और 6 11 1 4 4 8 1 9। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीका से बना सकते हैं। आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।